नमस्कार, मैं माला चटर्जी किचन से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन। ये मैंने 500 ग्राम मटन लिया है। इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये एक प्याज, तीन टमाटर, वो मैंने पीस लिया है मिक्सी में। डेढ़ प्याज लिया है ना मैंने, बड़ी साइज में लिया है। और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये कुछ मैंने कर्ड्स लिए हैं इत्यादि। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। मैं मस्टर्ड ऑयल से बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 8 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। 8 टेबलस्पून सेवन और ये 8। ओके, अब मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने शक्कर देना है, जिससे वो कैरमेल होके आ जाए, कलर बन जाए। इसके लिए मुझे 1 टीस्पून शुगर देना है। चीनी, ये जरा पक जाए, तेल जरा हिट हो जाए, दे वन टीस्पून मैंने शक्कर देना है। शक्कर जरा कैरमेल होगा तभी मैं इसमें ये कैरमेल हो गया है। ये देख लीजिए, कैरमेल हो गया है, ये कैरमेल हो रहा है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक प्याज मैंने काट के दे दिया, अनुसार नमक दीजिए। ये जरा मैं मटन फ्राई कर ली, उसके बाद मैं इससे पानी निकलेगा तब तक मैं इसको कवर कर दूंगी। अब मैं 1.5 प्याज, बड़ी साइज की 1.5 प्याज, 1.5 प्याज लिया और उसको मैं कुकर में मैंने फ्राई कर लूंगी। तीन टमाटर लिए हैं मैंने, 3 टमाटर का पेस्ट बनाया मैंने, उसको मैंने डाल दिया। कवर कर दूंगी।
अब मैंने लगातार चलाते हुए ये बटन को भून लिया है। अब इसमें से तेल अलग हो रहा है, देखिए तेल अलग हो रहा है। अब मैं इसमें ये तीन बड़ी इलायची कूट करके डाल दी है, देखिए बड़ी इलायची है ये बड़ी इलायची कूट के इसमें डाल दी है। कम से कम इसे आधा घंटे तक फ्राई करना है, मतलब तेल मटन का जूस मटन में ही समा जाए और तेल अलग हो जाए, तब तक मुझे मसाले को भूनना है। भूनने के बाद मैं इसे गर्म पानी दूंगी, एक कटोरी गर्म पानी दूंगी। आपको अपने अपने अनुसार आप अपने गर्म पानी दीजिएगा, और मटन में हमेशा गर्म पानी यूज़ करेंगे, गर्म पानी यूज़ करेंगे तब उससे मटन अच्छा होता है। देखिए मैंने एक कटोरी गर्म पानी दिया है, ये दूसरा कटोरी, दो कटोरी मैंने गर्म पानी दिया है। अब मैं कवर कर दूंगी और मैं धीमी आंच में 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 20 मिनट के बाद मैं इस खोल के मैं देखूंगी, 20 मिनट तक इसे पकने देना है। 20 मिनट के बाद आपसे आपको दिखाऊंगी मैं। थैंक। अब 20 मिनट के बाद मैं इसका कवर को खोलूंगी। अब मैं सर्व करूंगी। ये मेरा मटन कड़ी तैयार है, ये देखिए मटन कड़ी तैयार है। ये मेरे मटन करी तैयार है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता, ये मैंने कुछ धनिया पत्ता काट के रखे हैं, इसे मैं दे दूंगी। ये देखिए मेरा मटन करी तैयार है। खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव माला चटर्जी किचन में शेयर कीजिए। थैंक यू।